राम राम दोस्तों, मैं गणेश जी और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं अपने प्लॉट पर सुबह सुबह आ गया। आज तो कुछ विशेष काम नहीं था क्योंकि लेबर मिस्त्री आज सब उनका काम निपट चुका था प्लास्टर का, तो बेड डालना था लेकिन वो लोग तो आए नहीं बेड वाले। तो मैंने कुछ दो लेबर बाज़ार से लेकर जो चौक है वहाँ से लेकर आया और उनको थोड़ा सा जो कल पाइप वगैरह डाले उनके ऊपर से छोटा बेड अभी डाल लिया। तो चार पाँच दिनों से लगातार एक काम हमारे घर में एक नया काम चालू था जो कि थोड़ा सा काफ़ी पेंडिंग था। और उस काम का जो अपडेट है न्यू घर का, वो अभी आपको मिलेगा देखने को। वो जो घर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम रहता है, मतलब पानी घर में आने का और पानी घर से बाहर जाने का, मतलब जो आउटलेट्स वगैरह निकाले जाते हैं, मतलब प्लम्बिंग का काम। तो ये पिछले चार दिनों में पूरा प्लम्बिंग का काम चालू था। तो प्लम्बिंग के काम में हमने क्या क्या किया तो वो आपको बताते हैं वीडियो में, कंटिन्यू रही। दोस्तों इधर देख सकते हैं भैया लोग मसाले बना रहे हैं और अभी काम बहुत बाकी है क्योंकि प्लम्बिंग का काम है तो आप समझ रहे हो बहुत ही केयरफुल से करना पड़ेगा। तो वही गणेश जी देख रेख में आपको पता ही है, जी जान लगा देते हैं। अभी आपने देखा नल की एक साइड की फिटिंग, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, जो नीचे में जो पाइप मोटा जो डाले हैं उसके ऊपर से हम लोग सीमेंट लगा दे रहे हैं ताकि जब भरन होगी तो टूटे ना, लेबर के पैर से अगर टूट। अब पोर्च में आने के बाद यहाँ पर भी दो नल है, एक बोरिंग का और एक दूसरा इधर से। चलिए लाइन यहाँ से जा रही है नल की, ये देख सकते हैं। तो इधर से यहाँ पर भी एक बोरिंग का नल है और एक इधर सादा नल है। तो यहाँ नीचे पाइप थे जो कि पूरी जो पाइप थे उस पाइप के ऊपर मैंने अभी सिर्फ आज बेड डलवा दिया ताकि ये मतलब ये पाइप दब जाए। और इधर से दोस्तों देखिए ये बेसिन भी लगा लिया है। तो आइए दिखाते हैं आप लोग को कहाँ तक काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बाथरूम चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गली से होते हुए हम लोग जाएंगे रूम में और गली से हमें बोली अंदर अंदर भी रास्ता है और गली से भी रास्ता है, दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो ये देखिए बाथरूम का काम इधर चालू है और बाथरूम का चालू है इधर से आप देख सकते हैं नल फिटिंग हो गया है और जितना हमारा बाथरूम है, तीन बाथरूम में सब में इक्वल लगाए हैं, किसी में ऊपर नीचे नहीं, सब इक्वल लगा है और अच्छा लगा है, मतलब रेट वाला लगाए हैं जो नल का जो लगाए हैं वो सारा अच्छा वाला, मतलब क्वालिटी वाला जो होता है। गणेश जी तो आप लोग को पता ही, वो बिना क्वालिटी वाला लेते नहीं है, तो अच्छा हेवी वाला लगाए हैं, प्राइस भी अच्छा खासा लगा है। तो ये देख सकते हैं इधर से काम चालू है और ये जो जाली वगैरह जो लगाते हैं वो भैया लोग लगा रहे हैं जाली नीचे में। आप इस साइड में भी देख सकते हैं लग गया है नल, जो गर्म और ठंडा पानी में जो हम लोग को मिलेगा गर्म ठंडा पानी, मतलब सारा कुछ सुविधा के साथ यहाँ पर गणेश जी को बोल रहे यार आना है ताकि किसी को कोई चीज़ में दिक्कत ना हो। और दोस्तों इधर से देख सकते हैं पोर्च के नीचे जो पाइपलाइन जो हमारी आएगी उसी की खुदाई चालू है ताकि नीचे में पाइप को पहले सीमेंट दे देंगे हल्का सा, उसके बाद उसमें जो और गिट्टा वगैरह डालेंगे उसके बाद उसमें ढलाई करेंगे तो और अच्छा रहेगा, मजबूती रहेगी, पकड़ रहेगी, क्योंकि ये इधर का जो ज़मीन है वो मिट्टी वाला ज़मीन है तो इसीलिए करवा रहे हैं अच्छा से। और इधर से आइए गली तरफ ले चलते हैं। तो इधर गली तरफ भी अभी काम चालू है क्योंकि हर एक जगह जगह हम लोग नल का सुविधा रख रहे हैं ताकि किसी को कोई चीज़ में दिक्कत ना हो, जैसे ही पानी का हो, धोने का हो, कपड़े का हो, तो कहीं पर भी अगर वैसे गली में है तो गली में भी आप धो सकते हो, रूम के अंदर बाथरूम में जाके आप धोना चाहते हो तो वहाँ पर भी धो सकते हो। और जैसे आप अंदर घुसोगे गेट से तो गेट के बाहर में भी नल रखे हैं, कुछ इस तरह से नल का व्यवस्था हमारे गणेश जी ने रखा है। डायरेक्ट मसाला डाल दिया कंक्रीट का, उससे सब गड़बड़ हो गई, वो सब वो पाइप में से बचता था पतला मसाला। तो दोस्तों आज चालू है नल की फिटिंग का काम और सुबह सुबह घर से निकलते वक्त मैंने ले ली थी रोटी,
और इधर से थोड़ी सी भिंडी की सब्जी और फ्राई वाले राइस, तो अभी बस यही खा रहे हैं। देखते हैं, आज सुबह थोड़ा जल्दी आना था क्योंकि नल का काम चालू है, करके जल्दी जल्दी में लेके आए। ये देख सकते हैं पाइपलाइन का काम हो रहा है अभी, इसमें पानी जो आएंगे उसके लिए भी ऊंची कंपनी का ही है, जो अच्छा तो क्वालिटी देख के गणेश जी लाए हैं, ताकि 20 साल तक देखना ना पड़े। ये गणेश जी का कहना है कि 20 साल तक देखना नहीं पड़ेगा, टूटेगा नहीं, अगर सही तरीके से रखा जाए, यूज़ किया जाए तो बात भी सही है। अगर सही तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि हमारा उतना जल्दी कुछ भी ख़राब होगा, लेकिन हाँ सही तरीके से रखना पड़ेगा, ये बात है। तो ये देखिए गली में जो काम हो रहा है, तो पाइपलाइन अभी इधर हो गया है, इधर से इधर बिठाते ये ला रहे हैं, और ये सारा जो सामान देखिए सारा कुछ यूज़ में आ जाएगा। और बार बार गणेश जी को कितना जो सामान लाना पड़ रहा है, जाना आने में बहुत दिक्कतें हो रही है, बार बार सामान घट रहा है बढ़ रहा है। अब इधर से देख सकते हैं हमारी बेसिन का भी काम चालू है, बेसिन हमारे दो बनाए गए हैं, इधर साइड भी है और एक किचन के सामने भी है। तो अभी गणेश जी को ही पता है कि क्या किसमें क्या करना है क्या नहीं, तो अभी वही बेसिन का ही काम चल रहा है। और फिर हम लोग बाहर आते हैं, देख सकते हैं सारा कुछ जब बिखरा पड़ा है, क्योंकि सारा सामान अभी यूज़ में आने वाला है। इधर से हमारे घर में काम चालू है, इतनी आवाज़ हो रही है मशीन का कि क्या बोले, इसीलिए गणेश जी एक दो वीडियो में वो साउंड ही नहीं डाल पाए, क्योंकि साउंड में कुछ सुनाई नहीं देगा, इसीलिए ऊपर दोस्तों देखिए नल का काम चालू है, नल की फिटिंग, और कुछ जगह पे जहाँ होल करने थे जैसे बेसिन के लिए और इधर आउटलेट के लिए, तो पानी मार मार के घर को मैंने ऐसा मजबूत कर दिया, ऐसा सीमेंट है और ऐसा पानी कि क्या बताए, कि होल अभी तक 2-2.5 घंटे हो गए शाम, अभी रात के 7-8 बज रहे हैं और अभी तक कोई होल ही नहीं हो पा रहा इनसे। अभी 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 थोड़ा थोड़ा हुआ है एक होल, तो अभी देखते हैं अंदर चल के दिखाई, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या काम चालू है और कितनी मुश्किल से होल कर रहे हैं ये लोग। तो रात के 7:30-8 बज गए, लेकिन ये देख सकते हैं काम हमारा शुरू ही है। वो भैया जो ठेके में लिए हैं वो ठीक नहीं कर देंगे, लेकिन हमारी दीवार इतनी मजबूत है कि इसमें छेद ही नहीं हुआ, जिसके कारण 2 दिन तो हो गया, कल का भी दिन जाएगा ऐसा लग रहा है। वही अभी देख सकते हैं कितना दिन तक वो भैया लोग काम करेंगे, उसके बाद वो लोग निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा रात होने से गणेश जी का भी थोड़े वो शाम को भी मंदिर जाते हैं तो लेट ना हो जाए, तो देखते हैं अब कितना जल्दी इन लोग का होता है। तो दोस्तों ये तीसरा दिन है और देखते हैं आज काम होता है कि नहीं, क्योंकि गणेश जी का कहना है कि आज 3 दिन में हमको सारा काम करवाना ही है किसी भी हालत में। कारण यह है कि अभी ढलाई बाकी है, कलर बाकी है, थोड़े से टाइल्स का भी काम बाकी है, क्योंकि वो लोग भी थोड़े से आधा अधूरा करके गए हैं, जो बहुत जगह छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए भी अब वो भी काम रह गया। तो ये जब तक सारा काम, ये जैसे नल फिटिंग का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम लोग दूसरे काम में नहीं लगा सकते, टाइल्स वाला को नहीं बुला सकते, या जब तक ढलाई नहीं होगा फिर टाइल्स नहीं बैठेगा, फिर कलर नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होगा ना, धीरे धीरे डिले होते जा रहे। तो वही गणेश जी का कहना है कि जितना जल्दी हो लेकिन अच्छे से हो, ताकि हमारी जो हमारी लाडो है वो भी घर जाएगी। तो आप देख ही रहो गणेश जी दिन रात कैसे मेहनत कर रहे हैं, घर के पीछे ही वो पड़े हुए हैं कि जब तक घर बनेगा नहीं तब तक, हालांकि उसका बिजनेस में भी थोड़ा सा असर पड़ रहा है, लेकिन घर छोड़ के जा भी नहीं सकते, अकेले वो है, कोई तो करने वाले हैं नहीं। और दोस्तों यहाँ से पाइप गया है, ये है किचन के आउटलेट्स, जो कि यहाँ से किचन में से पानी निकलेगा, और ये पानी यहाँ से चेम्बर रखे दो, यहाँ से पूरा इस पाइप से होते हुए डायरेक्ट सीधा बाहर जाएगा। तो बाहर इस तरीके से देख सकते हैं पाइप सीधा नाली में डाल दिया है, और यहाँ से उसको पैक कर दिया। अंदर के रूम में चलिए किस तरीके से चालू है, यहाँ की इधर की नल की फिटिंग हुई ये भी देख लेते। तो ये है हमारा किचन, जो कि यहाँ पर कमी रह गई थी हमारे नल की, तो यहाँ पर भी 2 नल लग चुके हैं, एक बोरिंग का और एक सादा।
चलो अभी चलते हैं हमारे लेटरिन बाथरूम में। तो इधर से आ गए हम लेटरिन बाथरूम में। यहाँ एक बेडरूम को अटैच लेटरिन बाथरूम है, जहाँ यहाँ पर ये एक कपड़े का हैंगर, ऊपर से ये साबुन लगाने के लिए, पेस्ट वेस्ट रखने के लिए ब्रश, ये दो नल, एक गर्म और एक ठंडा, यहाँ शावर, और यहाँ से यहाँ आउटलेट की भी पूरी सेटिंग हो चुकी है जाली वगैरह लगा के। इसके बाद यहाँ पर भी दो हैंगर साबुन का, और ये दो नल गर्म ठंडा, और यहाँ से गीजर भी लग चुका है हैवल्स का, देख सकते हैं। और इधर से लैट्रिन का भी नल वगैरह लग चुका है। यहाँ कमोड के लिए है, ये कमोड टाइल्स लगाने के बाद लगाने के लिए। अभी बाहर की ओर चलते हैं, बाहर का भी थोड़ा आपको आउटलेट बता देते हैं। गली का पानी किचन का और बाथरूम का इधर आएगा, ये नाली में चला गया, ये एक आउटलेट हो गया, और दूसरा इधर भी नाली के अंदर चैम्बर के अंदर इधर का आउटलेट है, जो कि एक लेटरिन का रहेगा, जो कि लेटरिन में तो खैर पानी बहुत कम आता है, और दूसरा रहेगा दूसरे बाथरूम का, मतलब जो हमारी सिस्टर को एक बेडरूम अटैच है, उस बेडरूम में जो बाथरूम है लेटरिन बाथरूम, उसका पानी रहेगा। तो इस तरीके से दोनों साइड में दो अलग अलग पाइप्स रख दिए, यानी पानी का भी कोई टेंशन नहीं, पानी 4 इंच पाइप है तो चोखअप होने का काम नहीं। इधर से देख सकते हैं ये पाइप, और हर पाइप को हर जगह जगह चेंबर दे दिए। यहाँ से वो पाइप जाए जो मैंने अभी बेड डलवा दिया थोड़ा सा पाइप के ऊपर, आउटलेट्स, मतलब अच्छा ही बड़ा बेडरूम है, ये भी ठीक ठाक है, इसमें भी वैसे ही सारी सिस्टम्स है। और इधर से ये पाइप आउटलेट यहाँ से जाने के लिए, और यहाँ जो दो नल है इसका पानी इस आउटलेट से होते हुए जाएगा बाहर। दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी पूरा देखने को मिलेगा कि जैसे बारीकी बारीकी 4 दिन क्या क्या काम हुआ, कैसा हुआ, और बाद में मैंने आपको पूरा ये भी दिखा दिया कि वो काम किस तरीके से पूरा हो चुका है। तो आप भी बताइए कि जो हमारी नल का फिटिंग का काम लगातार ये 4-5 दिन चलते रहा, और इसके पहले जब हुआ था तो पहले भी 4-5 दिन हमने थोड़ा सा काम करवाया था, मतलब 4 और 4 8 दिन में प्लम्बिंग का काम हुआ। तो इस तरीके से सारा प्लम्बिंग का काम हमारा अभी फाइनली पूरा हो चुका, सिर्फ ऊपर टैंक अभी बैठाना है, वो हमने पेंडिंग रखा, क्योंकि पूरा लास्ट में एकदम सबसे जब सब लोग मतलब सारा का काम निपट जाएगा तब हम टैंक बैठाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा घर का प्लम्बिंग का काम पूरी तरह से हो चुका है। तो आपको ये काम हमारा प्लम्बिंग का कैसा लगा ये बताइए। वैसे तो ये काम में काफ़ी खर्चा हो चुका, अब जो भी है हो गया अभी जैसे, और आजकल का ये सब फैशन है तो इस तरीके से तो इसको सब अब करना ही था, नहीं तो हम तो कुछ नहीं, बोर का पाइप लेके आराम से कहीं भी बैठ के नहा सकते, लेकिन ये आजकल का फैशन है, तो उस तरीके से पूरे फैशन को ध्यान में रखते हुए, और जो आजकल की मतलब जनरेशन को जिस तरीके से सारा कुछ चाहिए, उस पूरी ऑल फैसिलिटी के हिसाब से प्लम्बिंग का बोलो, लाइट का बोलो, सारा काम मैंने करवाया। और ये जो काम है ये इस तरीके से करने की वजह से खर्चा भी काफ़ी हुआ, मतलब स्टील के नल ये वो, उसके बाद सिंक कॉक की जितनी भी चीज़ें इसमें लगाई गई है सब एक्वा गोल्ड की और ऊंची कंपनी की है, तो उस तरीके से खर्चा भी काफ़ी हो गया। तो और फाइनली हमारा नल का प्लम्बिंग का काम पूरी तरह से हो चुका है। तो आपको ये सावित्री कुमारी ऑफिशियल में और गणेश सावित्री की जोड़ी में सारे अपडेट्स घर के देखने को मिलेंगे। तो आप ये बताइए कि हमारा ये काम कैसा हुआ, या इसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ तो आप हमें बताइए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।